अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। जी हाँ, बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जहां राजा जगन्नाथ बासे दक्षिण जंगलों में पहाड़ी और जंगल का सहारा लेकर अवैध शराब के कारोबार करने वाले कारोबारियों पर आज देव पुलिस ने छापामारी किया। औरंगाबाद पुलिस कप्तान सुधीर पोरिका एवं SDPO अनूप कुमार के निर्देश पर देव थाना अध्यक्ष वेंकटेश्वर ओझा के नेतृत्व में आज जगन्नाथ बाद से दूर जंगलों में अवैध रूप से चल रहे 15 शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने लगभग 5,000 लीटर जावा महुआ फूला हुआ शराब नष्ट किया गया। देव थाना अध्यक्ष ने बताया कि सूचना मिली कि नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में शराब कारोबारी जंगल और पहाड़ का फायदा उठाकर शराब का धंधा कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद SDF के सहयोग से समकालीन अभियान के तहत अभियान चलाकर जंगली इलाकों की घेराबंदी की गई और बड़ी बड़ी झाड़ियों में अलग अलग रास्तों में 15 से ज्यादा शराब भी भट्टी नष्ट कर 5,000 लीटर शराब नष्ट किया गया, जबकि शराब बनाने वाले उपकरण को नष्ट करते हुए आग के हवाले कर दिया गया। इस अभियान में देव थाना से ASI हलधर यादव, SDF के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। एकदम लगातार अभियान के बावजूद भी कारोबारी नहीं मान रहे हैं, तो पुलिस ने भी तैयारी कर ली है, तो डाल डाल तो हम पात पात। पांच शराब भट्टी एक जगह, मतलब 1,250 लीटर शराब एक बार में। इस तरह भी कई भट्टियां हैं जिन्हें नष्ट करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और उपकरण भी नष्ट किए जा रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं देव की जंगली इलाकों से। सुरक्षा कारणों से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती, लेकिन शराब कारोबारियों के मनसूबों को ध्वस्त किया जा रहा है। सर वो उपकरण है ना, है ऊपर लगता है कि वो मुड़िया नियन टाइप के जो बने हैं। तो एक बार दियो मेरे पर और पकड़ो सीधा सीधी ठली। हां सर गया प्योर जंगली क्षेत्र और जंगल इलाका है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं शराब का कई ड्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शराब का 5-6 ड्राम यहाँ पर रखा हुआ है जो दारू से भरा है, और ये शराब को नष्ट कर दिया गया है। और देखा जा रहा है कि कितने शराब यहाँ पर मिलते हैं और कई भट्टियाँ हैं।